नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। हिमालय में बनी चक्रवाती परिस्थितियों के चलते भारत के कई राज्यों में मौसम ने रूप बदला है। यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, बिहार और झारखंड में कई स्थानों पर बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की गई, साथ ही तेज आंधी भी चली। मौसम विभाग ने दिल्ली और आसपास के इलाकों में आसमान में बादल छाने और हल्की बारिश होने का अनुमान जताया। कर्नाटक के 865 सीमावर्ती गांवों में महाराष्ट्र सरकार की ओर से अपनी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के फैसले की कड़ी निंदा करते हुए मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने इसे अक्षम्य अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे मुद्दे को उठाएंगे। असम के मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता हिमंत बिस्वा शर्मा ने बड़ा बयान दिया। यहां बेलगावी की शिवाजी महाराज गार्डन में शिवचरित्र के लिए एक रैली को संबोधित करते हुए शर्मा ने कहा कि उन्होंने अपने राज्य असम में 600 मदरसों को बंद कर दिया, बाकियों पर भी ताला लगाने का इरादा है। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर पद्माकर मिश्र ने गुरुवार को इस्तीफा दे दिया। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार के आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही न होने से आहत है। दूसरी तरफ कुलपति ने परीक्षा नियंत्रक का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, साथ ही प्रोफेसर राजनाथ को नया परीक्षा नियंत्रक बनाया है। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने पिछले संसद सत्र के दौरान अपने भाषण में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए शुक्रवार को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार का प्रस्ताव पेश किया। फरवरी में भाषणों में से एक में मोदी ने गांधी परिवार के सदस्यों पर सीधा हमला किया था और पूछा था कि उन्हें नेहरू उपनाम का उपयोग करने में शर्म क्यों आती है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी द्वारा गैर कांग्रेसी सरकारों को गिराने के लिए अनुच्छेद 356 का बार बार उपयोग करने के लिए आलोचना की थी। महाराष्ट्र में सरकार के आश्वासन के बाद किसानों और आदिवासियों ने अपना मार्च फिलहाल रोक दिया है, लेकिन उनके प्रतिनिधियों ने शुक्रवार को कहा कि अगर उनके मुद्दों के समाधान के लिए सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे मुंबई की तरफ कूच करेंगे। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक विनोद निकोल ने कहा, हमने मार्च फिलहाल रोक दिया है, हम सरकार से ठोस कदम उठाने की उम्मीद कर रहे हैं, हमारे मुद्दों का समाधान किया जाए वरना हम मुंबई की ओर कूच करेंगे। राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राजस्थानी भाषा को राजस्थान की द्वितीय राजभाषा घोषित करने के संबंध में भाषा राज्य मंत्री ने एक समिति की गठन का अनुमोदन किया है। उन्होंने बताया कि यह समिति छत्तीसगढ़ और झारखंड के मॉडल की स्टडी कर वहीं की तर्ज पर राजस्थानी भाषा को मान्यता देने के संबंध में रिपोर्ट पेश करेगी। राहुल गांधी के लंदन में दिए बयान को लेकर संसद से सड़क तक भाजपा नारेबाजी और प्रदर्शन कर रही है। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं तक ने संसद में राहुल गांधी से उनके बयान पर माफी की मांग की है। इस बीच चचेरे भाई वरुण गांधी ने भी इशारों इशारों में राहुल पर कटाक्ष किया है। वरुण बीते कुछ दिनों से भाजपा पर ही सवाल दाग रहे थे, लेकिन अब वो भी राहुल मुद्दे पर भाजपा के साथ खड़े दिख रहे हैं। रानी मुखर्जी इन दिनों अपनी फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे को लेकर सुर्खियों में है। बी टाउन स्लेव्स फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद इसकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। रानी मुखर्जी के सबसे करीबी दोस्तों में से एक शाहरुख खान ने भी फिल्म का रिव्यू किया और इसकी जमकर तारीफ की। शाहरुख खान ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे का रिव्यू किया। अभिनेता ने लिखा, मिसेस चटर्जी वर्सेज नॉर्वे की पूरी टीम द्वारा कितना जबरदस्त प्रयास किया गया है। मेरी रानी मुख्य भूमिका में उतनी ही चमक रही है जितना केवल एक क्वीन कर सकती है।
सहारनपुर में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सपा मुखिया अखिलेश यादव के शूद्र वाले बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि थोड़ा फ्रस्ट्रेशन में है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, थोड़ी सी जांच करा ले, स्वास्थ्य अच्छा हो ऐसी कामना करते हैं। लगातार 4 चुनाव हार चुके हैं, 5वां हारने जा रहे हैं, 6ठा 2027 में फिर चुनाव हारेंगे, ऐसा हमें भरोसा है। कभी सहारनपुर आए तो मेडिकल कॉलेज में उनकी जाँच करा दीजिएगा। इन खबरों में बस इतना ही, बने रहें हमारे साथ।